तो भाई देखो टेंस वगैरह वो देख सकते हो ये पूरा मट कैफे टाइप। तो अभी बैठते हैं इनसे मिलते हैं। खाना भी आ चुका हमारा। लगेगी ठंड लगी जमात रुका। इस कमेंट में बताओ जमात रुका क्यों नहीं आता। वीडियो व्लॉग सो गाइस आज की व्लॉग की शुरुआत होगी अपनी गाड़ी से। और भाई ये फेस पे एक जो छोटा सा निशान देख रहे हो भाई ये पता नहीं थोड़ा सा मैं क्राई कर चुका था, थोड़ा सा मैं रो रहा था तो मैंने रेड कलर के ना पॉलीथिन से अपने आंसू साफ कर रहा था। तो मुझे ना यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया, रैशेस सा हो गया। बट अभी हम ना आज सारे बहुत टाइम के बाद सारे मतलब 10 बंदे हैं जो टोटल जा रहे हैं सुदमा देव। वहाँ पे एक भाई है हमारे, उन्होंने खोला है एक कैंपिंग टाइप रिजॉर्ट टाइप खोला है। तो वहाँ पे जो है वहाँ पे हम स्टे करने जा रहे हैं, अच्छी जगह कैंपिंग करने जा रहे हैं, ट्रैक करने जा रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सुदमा देव में भाई उन्होंने रिजॉर्ट खोला है कैंपिंग वाला, बहुत ही तगड़ा सा है। तो वो आज हम जा रहे हैं वहाँ पे स्टे करने के, 2 दिन वहाँ पे रहेंगे मतलब आज और कल रहेंगे। और वहाँ पे आपको रिव्यू वगैरह देंगे अच्छे अच्छे, भाई आपको ये आना चाहिए या नहीं वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो अभी सारे जा रहे हैं, मैं आपको मिलाता हूँ कौन कौन जा रहा है। वैसे हमारी गाड़ी में ये 4 बंदे देख लो, अभी फिलहाल तो ये 4 बंदे हैं, फिर आगे दिखाता हूँ मैं आपको। और गाइस यहाँ पे मिल वाओ नाइस कवर। वन लूथ टू लूथ यू आर बिग बोरी, आटे की बोरी, आटे की बोरी, आटे की बोरी। और गाइस मैं अभी बताता हूँ आपको कौन कौन आया है भाई यहाँ पे। इस वाली साइड आए हैं भाई ये हमारे साथ प्रैंक कर रहे थे। हम हाई प्रैंक है हमारे साथ प्रैंक करोगे। एक बंदा कम है क्या? वो कम है, एक बंदा घट लगा दो देखो ना चेक करो। बाकी आगे जाइए मनोरंजन करने हैं, अभी चलते हैं यहाँ से निकलते हैं। बहुत बारी आवाज सुनी है पर आज मैं आपको जो वॉइस सुनाने वाला हूँ आज कुछ खतरनाक आने वाली है। क्योंकि ये देखो ये करा मैंने ऑफ, ऑफ ही नहीं हो रहा। ये नॉर्मल ठीक है, ये मैंने ऑन की। बैक फायर अभी हम पहुंच चुके हैं भाई चनैनी के पास। और अभी हम सुदमा देव का मैंने वो लगा दिया है मैप, अभी हम निकल रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ पे ट्रैफिक देखो भाई कितना है। और भाई मैंने कैमरा इतनी अच्छी जगह प्लेस किया यहाँ पे, आप इंजॉय करना भाई ये देखो कितना ज्यादा रश है। उसके बाद आगे पहाड़, वेदर तो आप देख सकते हो भाई हल्की हल्की सी बारिश जो पड़ी हुई है। अभी आगे जाएंगे, अभी आपको आगे जाते हैं और अच्छे अच्छे व्यूज दिखाते हैं भाई। साइड में चेक करना, अभी आपको दिखाता हूँ भाई, शायद से दिखेगा नहीं दिखेगा नहीं, यहाँ से दिखा पर बादल देखो भाई ऊपर भाई ये देखो। यहाँ से बड़े रास्ते निकलते हैं, मानतलाई, लाटी, नगुल्टा, सरोरी, दनास, पतनगढ़, सुदमा देव 22 किलोमीटर। तो 22 किलोमीटर रह गया भाई और यहाँ पे रश बड़ा है। तो चेक करो कितना खतरनाक है। और भाई व्यू तो भाई ऑसम है, ये देखो अभी आपको आगे जाके दिखाता हूँ। और व्यू भी अच्छा भाई ये देखो। यार आप सभी छोड़ो यार व्यू देखो भाई, रोड साइड भी देखो भाई कितना तगड़े तगड़े बड़े बड़े पहाड़ और बीच में रास्ते में हम चल रहे हैं भाई भाई कसम से। और मौसम ऐसे भी बारिश थी बट ठीक है, मजा आ रहा है भाई। अभी जहाँ पे हमने स्टे करना है वो देखते हैं भाई, कैंपिंग करने का मतलब टेंट में रहने का क्या मजा आता है वो देखते हैं भाई और आपको बताते हैं। और आपको बताना क्या है, अगर आपको अच्छा लगे तो आपको आपको यहाँ पे विजिट भी करना है ठीक है भाई। इस लोकेशन पर रुके हैं भाई, यहाँ पे देखो पहाड़ क्या लग रहे हैं भाई, सीधा चढ़ जाओ यहाँ पे भाई ये देखो
आज ब्लैक पेंटू और ये वाइट रेड शर्टू और गाड़ी के अंदर बड़ी है और ये क्यूटी अपनी तो दिखाओ। मैं तो स्मार्ट हूँ जमात्रू का स्मार्ट है जमात्रू का इस कमेंट में तो जमात्रू का मतलब क्या होता है मतलब पैदा होता है बर्थ माय। चलो फिर यहाँ पे वीडियो शेडियो बनाते हैं फिर देखते हैं। ओके हम अपनी लोकेशन पे जिसका नाम है भाई हाइड आउट कैमरा तो हाइड आउट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे हमने गाड़ियाँ पार्क करी है सामान सामून निकाल दिया तो अभी निकलने वाले हैं हम नीचे भाई अभी देखते हैं नीचे जाके कैसे हैं। और यहाँ पे देखो भाई मॉडल्स हाड़ भाई और ऐसी जगह पे रहने का मजा ही कुछ और है भाई। ये देखो भाई ये सोच रहे हैं कि ये बॉक्सेस क्या हैं। ये बॉक्सेस में होती है मधुमक्खियाँ और इससे बनता है मखीर हनी। अभी जाएंगे नीचे फिर आपको मिलते हैं। हम एंट्री कर चुके हैं हाइड आउट कैफे पे और यहाँ पे भाई देखो सिटिंग एरिया रूम वगैरह ये देख सकते हो नीचे कैंपिंग है। तो भाई कैमरा चेक करो इधर कैमरा देना DSLR के। तो अभी हम आ चुके हैं अंदर हाय हाय वुल्फ और भैया कैसे हो ठीक हो बहुत बढ़िया। तो ओ भैया भैया पकड़ाओ कुछ नहीं बोलेगी यार कुछ नहीं बोलेगी भाई कुछ नहीं बोलेगी भाई भाई डरा क्या हो गया क्या हो गया क्या हो अब इसको बांध दो यार। नहीं नहीं ये कुछ नहीं बोलते बहुत फ्रेंडली है काटा सिखा ही नहीं है। क्या नाम है इसका स्नोई स्नोई काटा आई एम योर फ्रेंड न्यू फ्रेंड। तो ये देख सकते हो भाई ये है पूरा यहाँ से लेके भाई यहाँ बैठने बैठने की जगह और यहाँ पे भाई देखो टेंट्स वगैरह वो देख सकते हो। तो हम पहले भी इनके पास रह चुके हैं डुडू वैली में है ना डुडू वैली में भी इनका ही है। तो आपने देखा होगा पुराने व्लॉग्स में भाई यहाँ पे देख सकते हो ये सारे कैंप के लिए लगे टेंट वगैरह और यहाँ पे कैफे टाइप बैठने के लिए पूरा मड कैफे टाइप। तो अभी बैठते हैं इनसे मिलते हैं अच्छे से फिर आपको मिलते हैं बाद में। अभी मिलेगा ये मिलेगा भैया ये यहीं पे मिलेगा ये भी यहीं पे मिलेगा। और ये भाई ये देखो पूल भाई ऊपर से देखने में देखो कितना सही लग रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ अंदर से टेंट। चलो आजा आजा अभी जाओ ब्रावा। तो ये देख सकते हो भाई एक ये आ गया ठीक है अब इसके बाद आगे दिखाते हैं। चलो मार भैया ये देखो ये भी अच्छा है मतलब सेम ही है सारे ऑलमोस्ट पर वो लास्ट वाला थोड़ा अलग है। ये देख सकते हो भाई अंदर से कितना खुला लगता है भाई देखो अभी आ जाओ आ जाओ जगह आ जाओ अभी लास्ट वाला देखते हैं भाई पता लगे लास्ट वाली किचन है वो अच्छे हैं भाई वो ये भी अच्छे हैं बट ये थोड़ा ओपन में आ गया और एक नीचे भाई एक वो नीचे लगा हुआ है भाई भाई ठीक है। अभी यहाँ पे हम आज का स्टे हम यहीं पे करेंगे। ये देखो सुनोई साथ साथ में चल रहा भाई अच्छा कुत्ता है यार ये सुनोई चलो जल्दी चलो सुनोई। तो चलो अभी कपड़े कपड़े चेंज करते हैं और रात को देख रहा भाई मजा आएगा जब प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर लगाएंगे मजे से इंजॉय करेंगे ठीक है। टेंट के भाई अंदर से देखो और भाई सामने जब सुबह उठेंगे तो ये व्यू देख रहे हो भाई देखो जैसे अभी हम यहाँ सोए हैं और ऐसे हम उठेंगे भाई और है देख रहे हो अब देख रहे हो अभी देखा अब से ये ना। तो अब जब ऐसे मतलब सुबह उठेंगे देखो भाई सामने ऐसा कैसे बादल होंगे वो तो मजा आएगा भाई। भाई हुक्का भी ले आया हम साथ में और यहाँ पे प्रोजेक्टर वगैरह भी लगेगा शाम को पीछे गाने लग रहे हैं और पीछे ऊपर बादल देखो मजा आ जाएगा भाई यहाँ पे देखो भाई हुक्का जब चलेगा। यार किसी बारिश स्टार्ट होगी तो अब हम अंदर आ चुके हैं भाई ये भी बैठने का सिटिंग एरिया है और वहाँ पे भैया जो है खुद गिटार बजाते हुए और यहाँ पे हम सारे बैठ के भाई एंजॉय कर रहे हैं। और बाहर का जो हम भाई अब जब इसका सूरज यहाँ पे सामने डला था वो कैमरा लगा ना वो रिकॉर्ड हुआ भाई ना हम सही लग रहा था ना। अभी यहाँ पे लगाने वाले प्रोजेक्टर क्योंकि बाहर हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी अभी यहाँ बैठ के आपको प्रोजेक्टर चला के दिखाते हैं और मिलते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लग चुका है भाई ये देखो भाई ये नज़ारे भी हैं आपको आपको हिडन आउट में मिल जाएंगे भाई देख रहे हो वहाँ पीछे चलेगी हमारी भाई बॉनफायर और यहाँ पे हम मजे से मूवी या कुछ भी इंटरेस्टिंग चीज देखेंगे और मजे से इंजॉय करेंगे। आपको भी ऐसे नजारे चाहिए तो भाई हिडन आउट पे आइए। चलो भाई अपना गाना भी चल रहा है भाई देखो
देख लो भाई जम्मू में क्या गर्मी चल रही है और यहाँ पे हम आग लगा के बैठे हैं भाई बॉनफायर। गर्मी तो ही लग गई, गर्मी नहीं लग रही भाई, आग लगाने और आग जलाने में फर्क होता है। लगी क्या बात है। तो भाई ये भैया भी हमारे साथ ही बैठे हुए हैं जिनका है वो भाई यहाँ पे मजे से भाई अभी हम इंजॉय करेंगे यहाँ बैठ के ट्रूथ एंड डेयर या कुछ भी गेम वगैरह खेलेंगे। चलो चलो जो भी है वहाँ पे हमने जो प्रोजेक्टर वही थोड़ा रोक दिया थोड़ा एंजॉय करने के लिए। यहाँ पे बैठी है रानी, ये बैठा राजा। तो यार खाना भी आ चुका हमारा, देख सकते हो डिलीशियस खाना। सारे बैठ चुके हैं यहाँ पे खाने का मंगाने के लिए, तो खाना गुना खाते हैं और आज की रात हम यहाँ पे भाई एंजॉय करते हैं भाई। कसम से मजा आया था भाई, ऐसे ऐसे मतलब कभी कभी ऐसे फील होता है कि भाई क्या चीज़ करते हैं हम, मतलब व्लॉगिंग वगैरह करो भाई, ये सब इंजॉय चीज़ें करते हैं। आप लोग भी करो भाई, ठीक है। अभी तभी हम आप लोगों को दिखाते हैं कि ऐसी चीज़ें, तो आपका भी मन करे आप भी आओ ऐसी जगह पे, ठीक है। सब्सक्राइब करो और चीज़ों के लिए। चलो भाई अभी हम जा रहे हैं भाई थोड़ा इंजॉय वजॉय करके सीधा अपने टेंट में सोने। और भाई ये देखो व्यू देख रहे हो, जो सुबह का व्यू होगा ना अभी मैं अंदर, ठंड भी लगेगी अंदर, यह लगेगी ठंड, ठंड लगी भाई। और सुबह सुबह यहाँ से खड़े हो गए डाई मारनी मैंने पूल में ठंड में, पागल हो गया। ओ भाई चलो अभी अंदर चलते हैं सोते हैं फिर आपको। हम आ चुके हैं अपने भाई कैंप में, मतलब कि टेंट में। और यहाँ पे भाई देख सकते हो ये इतना बड़ा बड़ा खुला है भाई, बाहर से छोटा लगता है पर बहुत खुला है। और सुबह यहाँ से व्यू देखने का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, वो आप लोग सुबह देखना। फिर उसके बाद व्लॉग एंड हो जाएगा, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट व्लॉग भी एक अलग जगह पर जाएंगे कैंपिंग करने के लिए, वो भी देखना है, ठीक है। अभी के लिए सुबह मिलते हैं।